हेलो दोस्तों। तो बहुत जन मुझे एक्चुअली पूछ रहा है कि बैंक निफ्टी का कोई एक स्ट्रेटेजी हम लोग कैसे बनाए यूजिंग चॉपीनेस इंडेक्स, और अगर बैंक निफ्टी का इंडिसेस को हम लोग को स्ट्रीक में यूज करना है तो उसको हम लोग कैसे यूज करें। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे एक बैंक निफ्टी का कोई भी एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। प्लीज मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो स्ट्रेटेजी हम लोग बनाएंगे उसको आप लोग प्लीज एकदम बुक मत मान लीजिएगा। ये अभी हम लोग बना रहे हैं, जस्ट देख रहे हैं कैसे हम लोग बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैं जो बताना चाहता हूँ, हम लोग एग्जिट कंडीशन में देखेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो सोच रहा हूँ अभी कि मेरा RSI अगर 40 के नीचे चला गया तो मेरा ट्रेड बंद हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा ट्रेड से। चाहे वो मेरा 5% हो स्टॉप लॉस, या मेरा 2% हो, या 1% हो, ठीक है। अगर मैं कहीं पे घुस रहा हूँ, वहां से अगर मेरा नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, जो मेरा अगेंस्ट ट्रेड जा रहा है, मैं तभी निकलूंगा जब मेरा RSI 40 का नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये पहले आप ध्यान रखिए, सोचिए मत कि मैं 99% स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ, इसका मतलब मेरा पूरा ही कैपिटल चला जाएगा। नहीं, मैंने एग्जिट कंडीशन डाला हुआ है, मेरा ट्रेड निकल जाएगा। आपको सोच उसके बारे में सोचने का जरूरत नहीं है। मैक्सिमम अगर मैं 10% प्रॉफिट डाल रहा हूँ तो मैं वहां पे भी अराउंड 8-7 कुछ डाल के रख रहा हूँ, जो कि मेरा एग्जिट कंडीशन में है। तो अभी हम लोग बनाएंगे बैंक निफ्टी में, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। हम लोग कुछ ना कुछ एक स्ट्रेटेजी अभी आज कोशिश करेंगे बनाने के लिए। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे निफ्टी बैंक इंडिसेस पहले लिख दूंगा। इसको मुझे डायनामिक में कन्वर्ट करना है, तो मैं सीई में स्ट्रेटेजी बनाने वाला हूँ। आप लोग प्लीज पेन पेपर में लिखते रहिए इसको। इसको हम लोग कर देंगे करेंट रखेंगे, इसको हम लोग कर देंगे वीकली, तो मैं ATM में रखने वाला हूँ इसको। इसको डन कर दिया। यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे 5 मिनट। हम लोग सी को बाई करेंगे, हम लोग सेल में नहीं जा रहे हैं। लॉट्स हम लोग डाल देते हैं कुछ 10 लॉट्स। अभी यहाँ पे हम लोग कैसे डालें, तो हम लोग को बैंक निफ्टी का इंडिसेस के ऊपर हम लोग को करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सिंबल। सिंबल लिख दिए, सिंबल के बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे निफ्टी बैंक इंडिसेस। उसका हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, तो हम लोग क्या क्या कंडीशन डाल सकते हैं। तो पहले हम लोग डाल देते हैं RSI, तो उसका RSI हम लोग डाल दिए। RSI क्या होना चाहिए, RSI 55 से ऊपर होना चाहिए। तो RSI शुड बी हायर देन, हम लोग नंबर डाल देते हैं, नंबर डाल दिए। नंबर को हम लोग कर देंगे यहाँ पे 55, ओके। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या देखना चाहते हैं, अगर हम लोग को खेलना है चॉपिनेस इंडेक्स, तो चॉपिनेस इंडेक्स को मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 4-5 कंडीशन लिखने वाला हूँ, जिसके साथ में चॉपिनेस इंडेक्स को भी ऐड करूंगा। और उसको मैं कर दूंगा कि 61.8 के अगर नीचे क्रॉस कर जाता है तो हम लोग घुस जाएंगे, लेकिन उसके साथ बहुत सारा इंटरसेक्शन भी करेंगे बाकी कंडीशन को लेके, ठीक है। तो आज इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैं सिंबल ऐड कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग बैंक निफ्टी का इंडिसेस में कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ सी में करना था तो आप लोगों को यहाँ पे इंडिसेस सिंबल डालने का जरूरत नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडिसेस बैंक निफ्टी, हम लोग डाल देंगे MACD, ठीक है। तो MACD का मेरा जो हो गया, मेरा वो क्या होना चाहिए, वो मेरा MACD का सिग्नल का ऊपर होना चाहिए और जीरो का भी ऊपर होना चाहिए, तो शुड बी हायर देन। मैं काम कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ MACD का सिग्नल, ठीक है। तो MACD मेरा MACD का सिग्नल के ऊपर हुआ, और ये दोनों जीरो के ऊपर होना चाहिए, तो मेरा मतलब MACD का सिग्नल अगर जीरो के ऊपर हो गया तो ये भी मेरा जीरो के ऊपर ही होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निफ्टी बैंक इंडिसेस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा MACD का सिग्नल शुड बी हायर देन जीरो, शुड बी हायर देन, यहाँ पे मेरा एक नंबर मैं डाल दूंगा, नंबर डाल के मैं यहाँ पे डाल दूंगा जीरो। अच्छा, EMI तो डालना ही भूल गया, तो अभी हम लोग डाल देते हैं EMA। तो यहाँ पे डाल दूंगा EMA, तो EMA मैं कर दूंगा इसको अभी पीरियड फिलहाल कर देता हूँ 9। तो 9 को मैं किसके ऊपर करूंगा, मैं कर दूंगा हायर देन 55 के ऊपर कर देते हैं, बेटर रहेगा फिलहाल। अभी फिलहाल 55 के ऊपर कोशिश करके देखते हैं, अभी फिलहाल देखते हैं कि ये मार्च महीने के लिए हम लोग टेस्ट करके देखेंगे। तो इसको डोंट कंसीडर इट एज द बाइबल ऑफ द एवरीथिंग, आप लोग इसको टेस्ट कीजिए दूसरे महीने में काम कर रहा है कि नहीं। अभी फिलहाल हम लोग बना के देख रहे हैं चॉपिनेस इंडेक्स हम लोग का काम कर रहा है कि नहीं। इसके साथ हम लोग एक काम करते हैं, और एक लगा देते हैं यहाँ पे इंडिसेस बैंक निफ्टी, सॉरी हम लोग निफ्टी
बैंक इंडिसेस, इसके साथ लगा देते हैं स्टोकैस्टिक्स। तो स्टोकैस्टिक्स का जो फास्ट रहेगा मेरा उसका ऊपर होना चाहिए, स्टोकैस्टिक्स का के शुड बी हायर देन मेरा स्टोकैस्टिक्स का डी जो कि मेरा स्लो मूविंग है। ठीक है, स्टोकैस्टिक्स का डी परसेंटेज डी। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करके रखिए इसको और देखते रहिए कौन सा लगाने से आपका बेटर आ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग को यहाँ पे कौन से इंडिकेटर लगाएंगे। हाँ, तो हम लोग जो मेन वाला इंडिकेटर है चॉपिनेस इंडेक्स, उसको हम लोग लगाने वाले हैं। तो हम लोग लगा देते हैं सिंबल। तो सिंबल लगाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे बैंक निफ्टी इंडिसेस, इसका मेरा चॉपिनेस इंडेक्स, इसी को मैं बना देता हूँ दिस विल बी माई ड्राइविंग इंडिकेटर। तो ये मेरा होना चाहिए क्रॉसेस बिलो, एक नंबर हम लोग डालेंगे यहाँ पे, वो नंबर रहेगा मेरा 61.8। ये शायद मैं बहुत दिन पहले भी बता चुका था 61.8 हम लोग क्यों सिलेक्ट करते हैं, बहुत दिन पहले हम लोग देख चुके हैं इसको 61.8 में ये होता है। तो ये हो गया मेरा एंट्री कंडीशन, और कुछ डालना है नहीं है। तो मेरा ड्राइविंग फोर्स हो गया ये वाला चॉपिनेस इंडेक्स, फिर मेरा ये बाकी उसको सपोर्ट करने के लिए, तो ये जितना भी है सबका जो मेरा इंटरसेक्शन रहेगा वो मैं घुसने वाला हूँ। तो मतलब ये सब चीज में आप जब भी देखेंगे कोई भी मैं इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, ये वाला पहला इंडिकेटर, तो इसका मतलब होता है कि मेरा मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसका मतलब भी मार्केट ऊपर जाता है, इसका मतलब भी मार्केट ऊपर जाता है, अभी इंडिविजुअल भी देखेंगे तो मार्केट ऊपर जाना है। सारा कंडीशन मार्केट ऊपर जाने का ही लिए ही हम लोग एड किए हैं, लेकिन ड्राइविंग फोर्स हम लोग चॉपिनेस इंडेक्स पे यूज किए हैं। ठीक है, चॉपिनेस इंडेक्स मतलब क्या, मार्केट मूवमेंट देगा। अभी हम लोग अभी फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर आदमी को यहाँ पे हर वीडियो में प्रॉब्लम में लगता है, मैं आपको पहले से फिर से समझा देता हूँ, स्टॉप लॉस या फिर एग्जिट कंडीशन, दो चीज आप डाल सकते हैं या तो दोनों ही डाल सकते हैं। मैं जनरली एग्जिट कंडीशन प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा करता हूँ। एग्जिट कंडीशन क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट हुआ तो आपका निकल जाएगा, तो वो स्टॉप लॉस से पहले भी निकल सकता है, स्टॉप लॉस का थोड़ा देर बाद भी निकल सकता है, लेकिन जरूर निकलेगा, उसके आसपास ही निकलेगा। अभी फिलहाल सोचिए आप आरएसआई आपका, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे दिखा रहा हूं, तो आपने सोचा यहां पे, तो आप मैं क्रॉस हेयर यूज कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ये वाला कंडीशन दिए हैं कि 9 EMA आपका जो 55 क्रॉस करके ऊपर जाएगा, आप घुसेंगे और आप एग्जिट करेंगे ठीक जब उल्टा कंडीशन होने वाला है। तो इसका मतलब क्या, अगर आप 99% स्टॉप लॉस लगा दिए इसका मतलब आपका पूरा ही पैसा चला गया? नहीं, आपका यहीं पर घुसेगा और ठीक उल्टा कंडीशन जब होगा वहां पे निकल जाएगा। आप स्टॉप लॉस लगाए या ना लगाए कुछ भी आपका मैटर नहीं करता है, या फिर आप एग्जिट कंडीशन ना दे, आप लिख दे कि मेरा 5% मेरा स्टॉप लॉस है, इसका नीचे आके आपका निकलेगा। तो ये कंडीशन में क्या हुआ, देखिए आपका 10% अगर मीट नहीं होता और ये वाला कंडीशन एक्ट हो जाता तो आप ये माइनस ये जो बीच का है ये प्रॉफिट लेके फिर भी आप निकलेंगे। इसीलिए मैं ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग में विश्वास रखता हूँ। और अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो क्या होता है, यहाँ पे नहीं निकल के इसका नीचे निकलता 2-3% में, तो शायद आपका मार्केट टारगेट ना हिट किया होगा, लेकिन टारगेट ना हिट करने के बावजूद भी ये शायद 2-3% देके आपको निकल जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 99% मतलब ये नहीं होता है कि आपने पूरा ही लॉस कर दिया, सॉरी, यहाँ पे मैं एग्जिट कंडीशन डाल रहा हूँ। तो मेरा एग्जिट कंडीशन ये ध्यान पे रखिए, प्लीज नोट दिस, व्हाट इज एग्जिट कंडीशन, मेरा एग्जिट कंडीशन होने वाला है कि मेरा आरएसआई अगर 40 को नीचे चला गया तो मैं छोड़ दूंगा ट्रेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ निफ्टी बैंक, सॉरी निफ्टी बैंक इंडिसेस, इसका मेरा होना चाहिए आरएसआई शुड क्रॉसेस बिलो मेरा 40 के नीचे चला गया तो भाई साहब मैं निकल जाने वाला हूँ ट्रेड से। देखता हूँ अभी फिलहाल तो मार्केट का हालत पता नहीं, तो शायद मार्च महीने में यहाँ पे कुछ आएगा कि नहीं आएगा सिग्नल, क्योंकि मैं सीई को बाई करने के लिए जा रहा हूँ तो शायद ना भी आ सकता है। तो मैं टारगेट प्रॉफिट बना देता हूँ 10%। यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं यहाँ पे एग्जिट कंडीशन डाल दिया हूँ। ओके, बार बार इसको मत पूछिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जिट कंडीशन ओवर रूल्स द स्टॉप लॉस। या तो आप एग्जिट कंडीशन मत दीजिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए 3%, 5%। ओके, यहाँ पे एडवांस में चले जाते हैं। एडवांस में जाके यहाँ पे हम लोग स्टार्ट टाइम कर देंगे 9 बजे कौन स्टार्ट करते हैं, 9:30 कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा तो 15 मिनट मिलेगा स्टेबिलिटी के लिए। और इसको 2-2.5 बजे के बाद हम लोग
2:15 2:30 बजे कर देता हूँ। 2:30 बजे के बाद हम लोग नहीं घुसने वाले हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक, MIS, PCT, डन। स्ट्रेटेजी का नाम दे देते हैं, क्या लिख देते हैं, बहुत दिन का बाद बना रहे हैं, तो रिटर्निंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। एंड लेट्स बैक टेस्ट। तो जब बैक टेस्ट हो रहा है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, मेरा जो दूसरा चैनल मैं स्टार्ट किया हूँ स्ट्रीक में एकदम बिगिनर्स के लिए, वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, प्लीज ज्वाइन इट। एकदम स्टार्टिंग से किया हूँ। और एक रिगी ऐप है जहाँ पे आप लोग ऐड ज्वाइन कर सकते हैं। उस ऐप में वो टेलीग्राम जैसा ही है, लेकिन वहाँ पे जो मेरा चैनल है मैं वहीं पे खोला हूँ, तो वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली फीड्स और डेली डिस्क्रिप्शन अबाउट स्टॉक मार्केट्स और ये सब बताते रहता हूँ, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड चैनल है वहाँ पे, तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नया यूट्यूब चैनल का और जो मेरा रिगी चैनल का, मतलब जो ऐप रिगी का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 17 से लेकर 18 मार्च तक सिर्फ 2 ही सिग्नल मिला है, तो बहुत ही कम है। और 10 इसमें घुसा है, तो आपने 10 लॉट, तो इसका मतलब लगभग एक एक लॉट आपका कितना का जा रहा था, तब 171 रुपया का जा रहा था। मतलब पहला दिन आपका 4,275 रुपया का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब आपका क्वांटिटी है 250, मतलब लॉट हो गया 10, तो 10 एक एक लॉट में आपको 427 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं देखना चाहता हूँ तो 171 रुपीज, एक बार कैलकुलेट करके देख ही लेते हैं, परसेंटेज तो दिया है ना यहाँ पे, हाँ 19% का प्रॉफिट है। तो दिस इज, मतलब ये एक एग्जाम्पल था, हम लोग देखें कि चॉपिनेस इंडेक्स को हम लोग कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं और सिंबल का यूज कैसे करें। कि अगर क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप एडिट में जाएंगे, यहाँ पे बहुत जन क्या करता है, अगर आप कुछ भी लिखेंगे, बैंक निफ्टी लिखेंगे तो आएगा नहीं। मतलब यहाँ पे देख, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी बैंक, सॉरी बैंक निफ्टी लिखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी आप कोई भी डाल देंगे तो आपको यहाँ पे फ्यूचर्स और ये सब आ जाएगा, तो आप वहाँ से डायनामिक वाला नहीं ले पाएंगे। तो आपको डायनामिक लेना है तो आप ऐसे ले सकते हैं। और दूसरा चीज, अगर सोचिए आप डायनामिक वाला ले लिए और यहाँ पे ये सब सिंबल वाला नहीं लगाए, तो आपका वो डायनामिक का जो रहेगा ग्राफ या चार्ट, उसके ऊपर ये वैलिड होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी का जो इंडिसेस वाला चार्ट है उसके ऊपर ये वैलिड रहे, ठीक है। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी, तो ये हो गया मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट, तो इसके ऊपर मैं वैलिड किया, तो बैंक निफ्टी का जो मेरा सी डायनामिक स्ट्रेटेजी रहेगा उसके ऊपर वो वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इंडिसेस के ऊपर ले रहा हूँ इसके लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगेन आई मस्ट टेल यू थैंक यू वेरी मच, 6K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं चैनल का, थैंक यू फॉर ऑल द लव जो आप लोग दिखाए इतने दिन से। तो 6,000 सब्सक्राइबर्स, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड आप लोग जरूर मेरा जो दूसरा चैनल है एकदम बिगिनर्स के लिए, उसको ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें शायद मैं 3-4 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ। और रिगी आपको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि बहुत दिन के बाद ये मैं एक बनाया हूँ स्ट्रैटेजी, बट दिस इज नॉट एक्चुअली अ स्ट्रैटेजी जो मैं सोच के बनाया, ये एक्चुअली मैं आपको दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल दिखा रहा था। तो डोंट टेक इट अंडरवाइज, मतलब और लेके कि हाँ ये तो लॉस है, ये अब टेस्ट कीजिए ना इसको, पेपर ट्रेडिंग के लिए ही तो है। और यहाँ पे मैं आपको ये सॉफ्टवेयर के बारे में सिखा रहा हूँ, मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज किया जाता है, मतलब ये जो स्ट्रिक का UI है इसको मैं कैसे यूज करूँ यूजिंग द वेरियस इंडिसेस। तो प्लीज प्ले अराउंड विद द स्ट्रिक एंड आई थिंक वन डे यू विल डेफिनेटली लर्न मच हाई स्ट्रिक। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।